बीबियां शोहर का काम कर ले वो ठीक है, लेकिन शोहर बीबी की खिदमत ना करे। हाँ क्या बात है। और वैसे भी ये जितना तुम काम कर रही हो ना, ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही तुम। नहीं, अभी अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं करनी है। पहले बैलेंस शीट चेक करो, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब और कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है? हाँ ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हो? जरूरी काम है जरूरी काम? क्या जरूरी काम? मैडम जी, वो ड्राइवर बाहर देगे और बकरा लेकर आया है। ठीक है, उससे बोल दो कि कसाई को लेकर पहुंचे, और शरीफ से बोलो गाड़ी निकाले, मैं भी आ रही हूँ। जी अच्छा मैडम। ये क्या बकरा और देंगे, ये सब कहाँ ले जा रही हो? अपनी भतीजी का अकीका कर रही हूँ आज। क्या हो गया है तुम्हें अदीला बेगम? तुम ऐसे बदल कैसे सकती हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें खुद वो लड़की नापसंद थी, तुम खुद उसे वासे की जिंदगी से निकालना चाहती थी, और अब जब वो खुला लेना चाहती है तो वो इस मामले को खामखा खींचा क्यों जा रहा है? वो वासे उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देता? मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें ख्वाहिश है इस रिश्ते के खत्म होने की? अदीला, मेरी ख्वाहिश है सिर्फ तुम्हें खुश देखना, बस। तो समझ लो मुझे खुशी है इस रिश्ते को कायम रखने में। ये जानते हुए भी कि इस लड़की का अपने कजन से अफेयर है? मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इस तरह की है, और वो हमारी बेटी की माँ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके किरदार के बारे में कोई इस तरह बात करे। क्यों, क्या वो भूल गई? तुमने खुद ही ये बात फैलाई थी, और वासे के दिमाग में तुमने ही शक का बीज बोकर उसे दुनिया से दूर किया था। अरे हमारे वासे को क्या कोई लड़कियों की कमी है? इमरान, बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो और वासे की रिहाई का इंतजाम करो। जब वो रिहा होकर आएगा तो वो खुद फैसला कर लेगा। तुम्हें और मुझे इसमें दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। ठीक है दीला बेगम, जितना बुरा रवैया अख्तियार करना है कर लो, तुम दोनों बहन भाई के पास वक्त नहीं है ज्यादा। पहले तो पागल वासे को ठिकाने लगाने आए, और फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी है।